औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के शुक्र के साथ जायका व्लॉग करते हैं शुरू। सब भाइयों को मेरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इन चैनल को सरप्राइज करा भाईजान, भाईजान इन चैनल को सरप्राइज करा। तो मैं सोच रहा था यार कि न्यूज़ के व्लॉग बनाऊं, किस चीज़ के बनाऊं, लेकिन मैंने सोच लिया कि नहीं भाई, जो मैं व्लॉगिंग करता हूँ लाइफ व्लॉगिंग वही ठीक है मेरे लिए। तो आज की सुबह हुई है जी फसलों के अंदर, सुबह क्या व्लॉगिंग की सुबह फसलों के अंदर हुई है। तो इकबाल भाई हैं जो वो भाई काम कर रहे हैं माशाल्लाह से, हमारे धान की सूरत हाल चेक करें, ग्रोथ चेक करें। आज हम डाल रहे हैं धान को जी आधी बोरी यूरिया और 2 kg सल्फर, और साथ डाल रहे हैं जिंक। जिंक के अंदर है कॉपर, आयरन और मल्टी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो ये हमने जो सारे धान हैं हमारे हाइब्रिड सुप्रिया या 1692 या PB 1692 सबको डालनी है। तो माशाल्लाह से चेक करें ग्रोथ, ये है कि अभी देख के दिल खुश हो रहा है। तो मैंने कोई ऐसी चीज़ देखी है, शायद आप लोगों ने देखी तो है, आम चीज़ है, लेकिन ये है कि ये देखें कछुआ जैसे उसने मुझे देखा है, उसने भाई अपनी गर्दन अंदर कर ली है। अब ये है कि ये जो नहरी खाल है हमारी, ये इसके अंदर फिर रहा है, क्या करे ना, ये सारी जा रही और ये सारी जा रही है, शायद नहर के पानी के अंदर आया कहीं से, और अभी यहाँ से इसके लिए निकलना पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। अभी देखते हैं, मैं चुप करता हूँ एक दफ़ा, क्योंकि ये अगर मैं चुप मैंने किया फिर इसने गर्दन निकालनी है। लो जी कछुए को तो छोड़ें, ट्रेन देखें जी हमारे यहाँ इधर रेल की पटरी भी करीब ही है तकरीबन, तो ये माशाल्लाह से ट्रेन जा रही है और इसको कहते हैं कराची टाइम, तो ये शायद फरीद एक्सप्रेस है। और ये साहब जी ना मुझे देख के तो बिल्कुल ही आराम से हो गए, चेक करें, चलो मर्जी है भाई इसकी, क्योंकि अभी मैं जैसे ही मैंने साइड पर होना है तो इसने चलना शुरू कर देना। कोई नहीं यार, साइड पे होते हैं, इस बंदे को आज़ाद करते हैं, मैं सोच रहा हूँ इसके लिए रास्ता खोलते हैं। तो ये है कि ये जो ढक्कन है ना वो वाला, ये वाला ढक्कन इसको खोल देते हैं ताकि इसके लिए यहाँ से गुजरने में आसानी हो, क्योंकि नहीं तो इससे भाई बाहर नहीं निकला जाना, जैसे मर्जी ये कर ले। अब ये है कि यहाँ से सीधा आएगा और यहाँ से इधर इन होगा और इधर से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये जो पक्का खाल है तो इससे तो बाहर निकलना ना इम्पॉसिबल है, कभी भी ये बाहर नहीं निकल सकता। लो जी उसको वहीं पे छोड़ दिया सब कुछ खोल के, लेकिन ये है कि बारिश स्टार्ट हो गई है तो ये जो हमारी खाद है वो जो खोली हुई है उसको जल्दी से संभालते हैं। ये देखें ना अभी दिन जिम स्टार्ट हो गई है, आपको आवाज़ आ रही होगी, हल्की सी रिमझिम है ना, हल्की सी स्टार्ट हो गई है क्योंकि मौसम है वो बिल्कुल बारिश का है। तो ये है कि किसी वक्त भी बारिश आ सकती थी, मौसम इस तरह का था, तभी उस हिसाब से बादल नहीं हुआ। हाँ कजुआ कजुआ हंस लगा जाना मैं। तो इकबाल भाई भी कह रहे हैं कि जो एवे ही करने हैं उत्ते छापा जो दूजी खाली तोड़ा होया ना वो वाला वो भी उत्ते पा देने हैं, वेख लेने ना मौसम नू हाले कि चलो लै चल। लो जी यादा ये बना, जितनी खाद फेंक ली इतनी काफ़ी है, क्योंकि रिमझिम स्टार्ट हो गई, अभी बारिश तेज़ होगी तो ये जो खाद है हमारी माशाल्लाह से ये पड़ी हुई। तो ये क्या अगर पानी चला गया तो फिर यार ना बंदे के जब ये जिस्म के साथ लगती है ना, क्योंकि जितनी चीज़ें हमने डाली हैं तो वो नुकसान करती है, फिर रैशेज़ पड़ जाते हैं, जख्म बन जाते हैं। तो यूरिया ये है कि आधी आधी बोरी फेंक रहे हैं और एक एक तोड़ा जिंक, 2-2 किलो सल्फर, तो ये चीज़ें डाल रहे हैं। और जो बारिश की बात करें, मौसम कमाल का हो गया, हल्की फुल्की सी रिमझिम हो रही है, आपको आवाज़ आ रही होगी। आई आवाज़ अभी इनके ऊपर गिरती है, आवाज़ सुने। असली ये कैमरा मेरा उस तरह का, तो इसके अंदर नज़र तो आनी नहीं, कहीं पे पानी हो ना तो पानी के अंदर गिरती हुई
नज़र आएगी। ये देखिए अभी नज़र आ रही होगी आपको, पानी के अंदर गिर रही है ना ये जो बारिश की बूंदें हैं। बारिश हो गई है स्टार्ट तो जल्दी से भाई सब कुछ है जो वो उसको समेटते हैं और चलते हैं फॉर्म पे, क्योंकि अगर बारिश ज़्यादा हुई तो फिर मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए जाना। तो इसको समेटते हैं, समेटने के बाद डालते हैं सोड़े के अंदर और चलते हैं भाई। अच्छा जी, बारिश आने लगी थी लेकिन अभी जो है बूंदाबांदी वो रुक गई है, तो हम जाने लगे थे एक दफ़ा सारा कुछ डाल के बैग के अंदर दोबारा निकाल लिया, क्योंकि ये आधी बोरी है और ये चीज़ें हैं, तो हमने सोचा है कि इसको वापस ले जाने से बेहतर है कि इसको धान को फेंक दें, डाल दें, बेहतर यही है। वो तो पाम नहीं है इन्हें, ताकत देनी है और कुछ ज्यादा सल्फर है ना इन्हें, जी आप खुराक ठोकी वाह ठोकी है ये उन्हें चुआवनी है इक्के बारी हूँ जो उन्हें थे गोब तो आम नहीं है ना, फिर ये सिटा चंगा मोटा लाया जी ये चोलियां दी बनावनी दिहाड़ी बांधी है तो पांच मरले का घर मंडी ते ते आज कुड़िया दस किलो ने भाई होली होली कीती खला सारा पिंड शाम बाबा पिंडा बड़ा पीर कर खुराक ला जाओ खुराक ला ठीक है टीका माड़ी पीर छुट्टी अड़ के डॉक्टर आ भी जाओ उन्होंने को टीका के बुखार वाला दो साल ला देवे सवा मुद्दत हो गई जो मर्जी हो जाए ना मैं दवाई लेंदा ही नहीं, बुखार गले खराब जुकाम दी तो मैं दवाई लेंदा ही नहीं, जिन्नियां दवाइयां लैन लग पिया सा ना महीने बाद फिर बीमार, दो महीने बाद फिर बीमार, या ठंडा मीठा खाना फिर बीमार, डॉक्टर अफजल मोकला चो असि अफजल को शकील नी मुंडा डॉक्टर नईम दा छोर उन्दे कोलो लै लो आवी जी उन्दे कोल इन्ना है कि ओह दवाई देंदा मांगी फिरे कि हाइपरटेंसिव दवाई हुंदी आ सब छेती कर दी। बिल किन्ना आया जे मेरा बिल ही होना करीबन 30,000 आया, ना कोई एसी ना गल ना बात, अपने फिलहाल ना मीटर सारे ही लवा दिते, बिल परिवार ही नहीं खांदा पिया, 23,000 रुपया बिल आया मेरे नाम ते जेड़ा मीटर होंदे ते इत्थे भी एक खल है बग्गा जा वाह खला बाकी इन रोला बनया हाल इन माल सटो हाँ ए थलो लै कुत्तो तक में चिट्टा बोरर है बोरर है जहर पै दी आदे वड्डे जदों हो जांदे ने उदों तां इह विच मुंजर नूं वी सवेली कर दिंदे ने ओह इह कढ दिंदे नहीं मैं लियाना जहर आपां जहर होर लियाने आपां नूं मौसम जो है फुल बारिश का हो गया है, खाद है एक तो उन्होंने मतलब के आधी तो है वो डाल ली है आधी रह गई है, तो मैं अभी जा रहा हूँ फार्म पे क्योंकि जैकी की रोटी लेके आया हुआ था चेक करें अभी साथ ही है, तो जैकी साहब को भूख लगी होनी है काफ़ी क्योंकि अभी टाइम हो गया 9 बज गए हैं, 9 से भी ज़्यादा टाइम हो गया शायद, तो ये है कि उसको जल्दी जल्दी से रोटी डालते हैं क्योंकि भूख भाई लग गई होगी यार हमें भी लगती है तो उसे क्यों नहीं लगी होगी, तो चलते हैं जी एक दफ़ा फार्म पे जैकी साहब के पास। जी आ गया हूँ मैं, लेकिन ये है कि जैकी को पानी के लिए जो दिया हुआ था, लो जी सबसे पहले जैकी साहब को पानी की ज़रूरत है क्योंकि जो पानी वाला डब्बा था नहीं पड़ा हुआ है, मैंने कहा शायद पानी नहीं है जैकी के पास, लेकिन ये है कि पानी है अभी डब्बे के अंदर,
तो ये है कि मैं सोच रहा हूँ कि इसकी जगह जो है ना वो तब्दील करते हैं, वो इसलिए क्योंकि इसने बुरी हालत, ये लकड़ियाँ पड़ी हुई थी सारी, इसने चेक करे किस तरह अपना, क्या कहे यार बंदा। अब ये है कि एक तो इसे देते हैं ये छली, छली बड़े शौक से खाता है, दूसरा रोटी देते हैं इसको अभी फौरन। देखें जी ये अभी इतना मासूम बन रहा है ना जैसे इससे बड़ा मासूम कोई नहीं है। गंदा भी डाल दी है और छली भी डाल दी है, लेकिन भाई छली को वो ज़्यादा पसंद कर रहा है बजाय के रोटी खाने के। देखें ना ये चेक करें, छली खाने की कोशिश कर रहा है, छली खा रहा है लेकिन ये है कि रोटी नहीं खा रहा। चलें कोई नहीं, जो मर्जी खाए। तो ये है कि मौसम यार बड़ा ही खुशगवार है, और ये है कि मोटर चलनी नहीं है अभी, इसको पता नहीं क्या चाहिए। क्या लेना है, की चाहिए है, की चाहिए। ये ऐसे ऐसे कर दिया मुझे, शायद ये कह रही है कि मुझे भी रोटी दो। माशाल्लाह से मौसम चेक करें। अभी मैंने सोचा है कि एक दफ़ा घर को चलते हैं क्योंकि भूख लगी, अभी काफ़ी टाइम हो गया 12 का, और ऊपर देखें ऐसे लग रहा है जैसे अभी सूरज निकलने लगा, और भाई हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है, नज़र आएगी आपको। तो कितना यार मज़े का मौसम अल्लाह ने दिया हमें, चेक करें, क्योंकि अभी ये महीना है पंजाबी के अंदर कहते हैं नू सावन, तो जो सावन का महीना होता है भाई उसमें बहुत ही ज़्यादा बारिशें आती हैं। तो माशाल्लाह से ये सावन अच्छी तरह से लग रहा है, अच्छी तरह से इस सावन के अंदर बारिशें आ रही हैं इस वक्त। अच्छा जी ये जो ये है वो पटरी जिसके ऊपर मैं आपको दिखा रहा था ना सुबह ट्रेन गुजर रही थी, तो माशाल्लाह से माजिद भाई की कॉल आई है कि अहमद साहब आज तकरीबन 3-4 दिन हो गए हैं आप पहुँचे नहीं हो, अगर दूर यहाँ तो था लेकिन माजिद साहब से मुलाकात नहीं हुई, इसलिए फिर अभी मैं स्पेशली जा रहा हूँ। माजिद दोस्त है जो एक ही है मेरा स्पेशल है फिलहाल, तो माजिद साहब के पास जा रहे हैं और देखते हैं माजिद साहब क्या कहते हैं। मुझे लगता है आज कहीं का प्लान है कहीं जाने का। अच्छा जी माशाल्लाह से तकरीबन 1-2 घंटे हो गए थे पहुंचे हुए यहाँ पे, तो माजिद साहब ने कहा कि कौन सा स्प्रे पीना है आपने, मैंने कहा भाई जो आप पीओगे पहले वही स्प्रे मैं पीऊंगा। तो तकरीबन 2 घंटे हो गए बातचीत कर रहे हैं भाई, जो दोस्तों के दरमियान होती है हंसी खुशी वाली बातें। अभी यह है कि अभी दुकान करते हैं बंद अगर माजिद साहब मान जाए तो, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि दुकान बंद कर दो, ये साहब कह रहे हैं कि अभी टाइम नहीं हुआ 6 बजे बंद करते हैं, तो टाइम अभी हो गया है 5:30 का, तो मैं कहता हूँ यार आधे घंटे का क्या करते हैं बंद। तो मियाँ साहब कहते हैं कि नहीं भाई 6 बजे करते हैं बंद, 6 बजे से पहले बंद नहीं करते। मिनट है माजिद साहब करते बंद, 5 बजे बंद करते हैं। माजिद साहब फिर भी 6 बजे का ही कह रहे हैं, चलो कोई नहीं। अच्छा जी माशाल्लाह से अभी दुकान बंद की है, दुकान बंद करने के बाद जी आज फुल मूड है हमारा बर्गर खाने का, लेकिन ये है कि जहाँ पे पहले जाते थे वहाँ ही जाना, आज बिल्कुल सादा सिंपल हमारे तकरीबन करीब ही है, थोड़ा सा सफर ही है, तो वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से खाने लगे इंशाल्लाह बर्गर, जिंगर बर्गर। लो जी फाइनली जिंगर हमारे रेडी हो गए हैं माशाल्लाह से, देखने में तो मज़ेदार लग रहे हैं, अभी खा के देखते हैं क्या बनता है। अच्छा जी माशाल्लाह से पहले खाया हमने शामी उनका कमाल का था। अगर जिंगर की बात करें तो भाई जिंगर का मज़ा नहीं हमें आया जिस तरह का हम सोच रहे थे, तो जिंगर उस तरह का नहीं था, लेकिन ये है कि जैसे ही हम जिंगर खा के वहाँ से निकले हैं ना, तो साथ ही जब मैंने बाइक निकाली है रोड पे, तो भाई गाड़ी आई पीछे से, बड़ी मुश्किल से बचे हैं, नहीं तो आज एक्सीडेंट हो जाना था। अल्लाह ने बड़े नुकसान से बचाया, हमारा तो नुकसान होना ही होना था लेकिन उनका ज़्यादा हो जाना था, वो ऐसे कि उनकी नई गाड़ी थी, अगर इतना सा भी निशान पड़ जाता था तो लड़ाई पड़ जानी थी, बंदों ने खुद ही डाल लेनी थी, हमें तो क्या डालनी थी, लेकिन ये है कि अल्लाह ने बचा लिया। अभी क्या है, अभी माजिद साहब को छोड़ते हैं, अभी माजिद साहब कहते हैं कि नहीं बैठना है भाई, मैंने कहा अभी नहीं टाइम काफ़ी हो गया क्योंकि शाम होने वाली है तो मुझे इजाज़त दो, लेकिन वो नहीं जाने दे रहे, लेकिन ये है कि अभी चलते हैं यार टाइम काफ़ी हो गया, अल्लाह हाफिज़।